नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर से देखिए, क्योंकि उसका बेसिक वहाँ समझाया गया, फॉर्मूलेज बताया गया और परिभाषा को बताया गया। ठीक है, तो आज हम सेकेंड पार्ट में फॉर्मूलेज की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अप्रोच से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड एनुअल, यानी 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब देखिए, पहला जो तरीका है, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, इसे बोला जाता है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में हम करते क्या है कि हमारी जो धनराशि रहती है, जो हमने उधार लिया हुआ है, उसे यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा। 2 साल की बात है तो हम 2 लाइन ड्रा करेंगे, 3 साल की बात होगी 3 लाइन ड्रा करेंगे। बात समझ जाना, रेट हमारा यहाँ लिखा जाएगा 10% और 10%। देखो अब क्या किया जाएगा, 1000 का 10% करेंगे, यानी 1000 × 10% यानी कितना होगा, 1000 10% जब हटाते हैं, चिन्ह जब हटाते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, 100 यहाँ से कट गया, यानी कितना आएगा, 100 आएगा, यानी 1000 का 10% में क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। आगे देखो, फिर पहला साल खत्म, दूसरे साल में, ये फर्स्ट ईयर की लाइन है, समझ जाना, ये फर्स्ट ईयर की लाइन है, ये क्या है, सेकेंड ईयर की लाइन है। तो अब सेकेंड ईयर में 10% लगाएंगे, 1000 का 10% कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, जैसे इसको निकाला था। अब आगे बात करते हैं हम कि अब सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा इस पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी इस पर भी क्या लगेगा, 10% लगेगा। क्यों? क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता क्या है कि मूलधन के साथ साथ हम ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, यानी प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट होगा उस पर भी हम इंटरेस्ट देंगे अगले साल में। यानी कि आप जब फर्स्ट ईयर में थे, यहाँ पर इसके पहले कोई ब्याज नहीं था, जब सेकेंड ईयर में गए हम, तो मूलधन के साथ साथ मूलधन पे हमने ब्याज लगाया, 100 रुपये मिला, लेकिन इसके पहले जो ब्याज होगा उस पर भी हम क्या करेंगे, ब्याज लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, 10% के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 का 10% कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। बात समझ गए, 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 × 10/100 का लेना, यानी ये इससे कट जाएगा, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी, तो ये आपका ग्राफ बन जाता है। तो इस ग्राफ को थोड़ा समझ लो अच्छे से, ये आपका 1000 रुपये धनराशि थी, आपने 10% किया और यहाँ भी 10% किया, तो आपको मिला ये 100, ये 100 और यहाँ 10। अब इस ग्राफ का मतलब समझना, और ग्राफ का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टोटल आपने बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है, इसे बोलते हैं CI का बॉक्स। ये कितना होगा, ऐड कर लो, 100, 100 और 10 कितना होगा, 210। हमारा CI कितना होगा, 210 होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन किया था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला आपको मिल गया कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 210 होगा। लेकिन अब हम अगर आपसे पूछ दिया गया कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला मैंने अभी ये लाइन जो ड्रा की है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, 100 कितनी हो जाएगी, 200। अगर आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तब बताओगे 200। और अगला क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए 2 ईयर CI - SI क्या होगा, आपसे पूछ दिया 2 ईयर CI - SI क्या होगा, तो 2 ईयर CI - SI यानी कि कितना होगा, देखिए ये बड़ा वाला बॉक्स CI का है, इसमें से इस छोटे वाले बॉक्स को हमने निकाल दिया, SI के बॉक्स को क्या किया, घटा दिया, तो बचा ये वाला बॉक्स, यही बॉक्स होता है आपका CI और SI का बॉक्स होता है, यानी ये कितना है, 10 है, ठीक है, यानी CI - SI कितना होगा, 10 होगा। यहाँ भी घटा लोगे, 210 में से 200 घटाओगे, 10 मिलेगा। तो आपको इस बॉक्स का बताने का रीजन क्या है कि आप अगर इस बॉक्स को माइंड में बैठा लिया, माइंड में आपके बॉक्स चल रहा है, तो आप इजी तरीके से देख कर ही आंसर बता सकते हो किसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने बोला 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 तुरंत, ठीक है, ये बातें होगी। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताइए मिश्र धन क्या होगा, मतलब हम मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, अमाउंट आपके पास क्या होगा ये पूछा गया, तो अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है, ठीक है, मिश्र धन। अब देखिए अमाउंट अगर चाहिए तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना आपका 1000 है, CI कितना है, 210 है, यानी जोड़ लेंगे A बराबर कितना मिलेगा, 210, यानी 1210 हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना मिलेगा, 1210 हो गया। चलिए अब ये आपका खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा, आपने CI भी निकाल लिया, SI भी निकाल लिया, और क्या निकाला, 2 ईयर CI और SI का डिफरेंस भी निकाला, और क्या निकाला, अमाउंट निकाल लिया। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है वो समझिए आप, दिक्कत यहाँ पे आती है
कि ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, दो साल का, अगर तीन साल का लगाएं तो कैसे लगेगा, सेम इसी प्रोसेस लगेगा, लेकिन इसके और भी तरीके हैं इजी से इजी, यानी इससे भी इजी तरीका है, वो देखिए क्या है। उस तरीका को जानने के लिए इस तरीका को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इस ग्राफ मेथड को आपको समझना पड़ेगा, क्या है इसको समझने के लिए। देखिए अगर हम बात करें इसमें जो 100 की वैल्यू है ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी 10 की वैल्यू कितनी है, 1 टाइम्स है, 100 की वैल्यू कितनी है, 2 बार है, 10 की वैल्यू कितनी है, 1 बार है। तो आपको मैं बोलूं जब रेट सेम रहे, यानी कि सेम रेट, जब सेम रेट रहेगा तो आपका 2 ईयर का रेशियो क्या होगा, आपका होगा 2:1। जब आपका रेट सेम है यानी ब्याज जब सेम है, प्रत्येक साल का ब्याज क्या है, बराबर है, जैसे इसमें क्या था, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, यानी 2 साल का जब ब्याज बराबर होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। आपको पता चल गया कैसे आ गया। अब इसके आगे बात करते हैं, आगे क्या है, दूसरा जो तरीका है सेकेंड मेथड क्या है वो समझिएगा। इसे बोला जाता है लाइन मेथड। लाइन मेथड से क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, बहुत ही आसानी से लगा दिया जाता है क्वेश्चन को, आसान तरीके से, यानी 1000 का हम 10% करेंगे, अभी आपने पीछे किया कितना मिला, 100 मिला, ठीक, इस 100 का 10% करेंगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अभी आपने पीछे किया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, दोनों साल का आपने ब्याज लगा दिया, आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि तीसरे साल की बात नहीं हो रही, 2 साल की बात हो रही है। अब हमारा जो रेशियो आया था 2:1, ऐसे ही लिखेंगे, पहले 2 और यहाँ 1, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10। अब इनको जोड़ दीजिए आपस में तो आपका CI मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 200 और 10 कितना होगा, 210 मिल गया, बहुत ही इजी तरीके से, कितना मिला CI, 210, यानी कि CI हो गया 200। तो ये वाला जो, देखिए अब बात समझिएगा, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है SI का, और ये जो बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, ये है CI का बॉक्स जो 210 है, और ये जो छोटा सा बॉक्स है ये किसका है, ये SI का बॉक्स है जो आपका 200 है। मैं इस बॉक्स की बात करूं तो यही बॉक्स होगा 2 ईयर CI माइनस SI, कितना होगा, ये 10 होगा। बात समझ में आ गई, ये जो छोटा सा बॉक्स है ये कितना, CI माइनस SI कितना होगा, 10 होगा। बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ, इसको समझ लीजिए आप और लिख लीजिएगा अच्छे से कॉपी पे। चलिए अगला तरीका देखिएगा, थर्ड जो है फ्रैक्शन मेथड, बहुत ही यूज होता है फ्रैक्शन मेथड, इसको समझिएगा। एक बात, अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो वीडियो को आप स्टॉप कर दिया करें, मैं बार बार कहता हूं आप लोग वीडियो को स्टॉप कर दिया करें, वीडियो में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपको क्वेश्चन दूं और आप समय से लगाओ फिर मैं उसके बाद लगाऊं, ये नहीं, आपको क्वेश्चन दिया गया तुरंत आप वीडियो स्टॉप करिए, वहां पे क्वेश्चन लगाइए, फिर जो आता है सोल्यूशन उसको फिर आप मेरे सोल्यूशन से मैच करा लीजिए, ठीक है। और तुरंत मैं जब लिख लेता हूँ और उसका तुरंत इरेज कर देता हूँ तो उसको भी क्या किया करिए आप लोग, जहाँ हमने लिख कर आंसर आ गया उसके बाद आप स्टॉप करिए, सारे अपने कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए सेकेंड मेथड क्या है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, हम यहाँ पर रेट से मतलब रखते हैं, रेट कितना है आपका, 10% है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम 100 से भाग देते हैं। देखिए जब परसेंटेज हटाया जाता है, पीछे हमारे भिन्न का वीडियो पड़ा होगा, ठीक है, आप इसी में देख लेंगे, भिन्न का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन वहां पे अच्छी थोड़े से वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम थी, तो अब थोड़ा सा इसके बाद मैं जो परसेंटेज वीडियो है अच्छे वॉइस क्वालिटी के साथ आऊंगा, तो अभी उसको देख लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा आपको कैसे कोई वैल्यू परसेंटेज से भिन्न में चेंज किया जाता है, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर जाती है, और कोई वैल्यू कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज कर जाती है, ठीक है, तो वहां पे आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, जब परसेंटेज हटाया जाता है तो क्या किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है, 100 से जब भाग किया गया, देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी तो 1/10 होगा, ये क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज था, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। बात समझ में, ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस फ्रैक्शन का मतलब होता है क्या, ये नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है, मैं कहूँ 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है, यानी अमाउंट की बात करता हूँ तो अमाउंट होता है P+CI, और इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे CI लिख दीजिए, यानी कि A की बात करूंगा तो आप लिखेंगे P की वैल्यू होगा 10 प्लस
सी आई की वैल्यू कितनी, एक, यानी कि होगा 11। यानी आप डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल की बात करूं मैं तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे 10 होगा, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना होगा 10 होगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा कितना होगा 11, क्योंकि प्रिंसिपल में सी आई जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा। और ये रेशियो था फर्स्ट ईयर का, ये क्या हुआ रेशियो जो था क्या था फर्स्ट ईयर का, ये रेशियो मिल गया आपको। ठीक, अब समझिएगा, फर्स्ट ईयर में 10-11 है तो सेकेंड ईयर में भी क्या होगा देख लीजिए, होगा क्या वही सेम रेशियो चलेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी रेट क्या है 10% है, क्या है ना 10% पर एनम है, प्रत्येक वर्ष क्या है 10%, यानी पहले साल में भी 10% है, दूसरे साल में भी 10% है, यानी 10% के फिर फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/10, और 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, यानी दूसरे साल भी 10 का क्या होगा 11 होगा। दो साल की बात हो गई, खत्म हो गई, हम दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई आपस में करिए, यानी 10 का मल्टीप्लाई 10 में होगा ये होगा 100, 11 में कितना होगा 121। अब समझिएगा बात, अब बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पे क्या है, यहां पे ये प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट है। अगर मैं कहूं आपको कि बताइए सीआई क्या होगा, सीआई बराबर क्या होगा, सीआई बराबर तो आप कहेंगे इस प्रिंसिपल को इस साइड भेजेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा धन कितना है 1000 है, प्रिंसिपल या मूलधन हमारे पास 1000 है, इसका मिश्र धन अमाउंट कितना है 121 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया था मूलधन दिया था वो कितना दिया था 1000, लेकिन यहाँ कितना है 100 है, तो इस 100 को 1000 बनाइए, 100 को 100 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 1000 हो जाए, तो 100 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये दोनों सभी मैंने बोला रेशियो में जो एक में मल्टीप्लाई करते हैं वो दूसरे रेशियो में भी मल्टीप्लाई होता है, यानी इसमें भी क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1210। यानी अभी बोला गया सी आई आपको चाहिए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए, यानी इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, 1210 में से 1000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो मिलेगा आपको 210, यही क्या होगा आपका सी आई होगा, यही क्या होगा आपका सी आई होगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पे अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो आपका आया 1000 प्रिंसिपल और यह आया 1210 क्या है अमाउंट आया, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है सी आई होता है, यानी कि आप 1210 माइनस 1000 हो जाएगा 210 जो होगा आपका सी आई, आपको यहां से सी आई मिल गया और अमाउंट तो आपको पता है ये 1210 है। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको तीन तरीके पता चल गए, एक होता है ग्राफ मेथड, दूसरा होता है आपका लाइन मेथड, तीसरा क्या होता है फ्रैक्शन मेथड, इन तीनों से क्वेश्चन लगाइए और आगे भी और सारे तरीके हैं उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा। अब सेम क्वेश्चन के लिए अब क्या है, अब सेम क्वेश्चन होगा लेकिन इसमें आपका टाइम चेंज होगा। देखिए सेम क्वेश्चन में टाइम आपको यहाँ पे कट दिए 3 ईयर, कितना करेंगे 3 ईयर, सब क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, ऑन 1000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, यानी बात कितने को हो रहा है 3 ईयर को हो रहा है, यानी कि अब 3 ईयर का बात हो रही है तो इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, कि अभी तो आपने 2 साल की बात किया, अब बात कर रहे हैं तीसरे साल में, तो मैंने कहा 2 साल रहेगा तो 2 लाइन, ग्राफ मेथड से आप लगाओगे तो 2 साल रहेगा तो 2 लाइन, और 3 साल रहेगा तो 3 लाइन आप करोगे ड्रा, करते हैं ड्रा। 1000 रुपये है, अब 3 साल की बात हो रहा है, 3 ईयर दिया है तो 3 लाइन ड्रा किया, पहले साल 10% कितना आएगा 100 आएगा पिछले की तरह, फिर 1000 का 10% कितना आएगा 100 आएगा, इस 100 का 10% लगाएंगे कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ तक सॉरी 10 आएगा, यहाँ तक पीछे बातें हो चुकी थी। ठीक है, देखिए 1000 का मूलधन पे 10% 100 ब्याज हो गया, इस मूलधन पे 10% 100 ये भी क्या होगा इंटरेस्ट ब्याज हो गया। अब क्या होगा जब आप मूलधन पे इंटरेस्ट लगा दिए तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा जो यहाँ लिखा गया। अब तीसरे साल में आएंगे, तीसरे साल की बात बहुत ध्यान समझिएगा, 1000 का 10% कितना होगा 100 होगा, 1000 का 10% क्या होगा 100 होगा, लेकिन जब तीसरे साल में हम आएंगे तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का जो ब्याज है इसमें भी ब्याज पे भी ब्याज लगाया जाएगा, यही पढ़ा है आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है ब्याज पे भी ब्याज लगाया जा सकता है, किसके साथ मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी ब्याज लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए तीसरे साल में जब आप गए हैं मूलधन पे आपने ब्याज लगाया, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 100 है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले साल का ब्याज 100 रुपये है, इस पे करेंगे 10%, यानी 100 पे आप करेंगे 10%, तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा,
ये 10 मिला, तीसरे साल में है आप शुरू कर दिया आपने, यहां से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना, इस 100 पे लगाया 10% मिला 10, लिखा किसमें जाएगा, जब हम तीसरे साल में है तो तीसरे साल में लिखेंगे 10 होगा, फिर इस 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्याज खत्म, फिर इस 10% के अकॉर्डिंग इस पे लगाएंगे, 100 पे कितना आएगा 10 आएगा, लिखेंगे कहाँ तीसरे साल में, फिर 10 का 10% करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यानी 10 का 10% 1 होगा, लिखा जाएगा तीसरे साल में, यानी कि तीसरे साल में है आप तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज सब पे क्या होगा इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो वही किया आपने, इस पे लगाया 10% लिखा यहाँ, इस पे लगाया 10% लिखा यहाँ, इस पे लगाया 10% लिखा यहाँ, तो आप टोटल बात समझ लीजिए इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ में ये जो बड़ा वाला पार्ट है यही तो होता है सीआई का ग्राफ, किसका ग्राफ होता है सीआई ग्राफ, सीआई ग्राफ कितना 100 100 100 कितना 300 30 और 31 क्या है 331 3 3 1 सीआई कितना 331 है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला जो पार्ट है 100 100 100 का ये कितनी बार है 3 बार है, इनको जोड़ दीजिए कितना होगा 300, ये किसका होगा एसआई का, यही तो बताया गया आपको ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसका पार्ट है एसआई का होता है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है वो किसका होता है, ये जो बड़ा वाला बॉक्स होता है वो किसका होता है बॉक्स सीआई का बॉक्स होता है, ये छोटा वाला बॉक्स किसका होता है एसआई का बॉक्स होता है, अब ये जो बचा हुआ बॉक्स है ये किसका बॉक्स है वो समझिए, जब आप सीआई में से एसआई को निकाल दिए तो क्या बचा है, बचा है आपका 3 ईयर सी आई माइनस एस आई कितना होगा 331 ठीक है, अब जब बड़े सी आई में से छोटे सी आई को निकाल दिया यानी ये खत्म हो गया, बचा यही पार्ट है 10 10 10 और ये कितना होगा 31 होगा, यानी यहां से भी देख सकते हैं आप सी आई में से एस आई घटाइए कितना आएगा 31 आएगा, ये मिल गया, अब अमाउंट पूछा गया अगर आपसे तो अमाउंट बराबर क्या होगा प्रिंसिपल कितना है 1000 प्लस सी आई कितना 331 जोड़ दीजिए 1331 अमाउंट मिल गया, ठीक है बातें समझ में आ गई, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, और चलते हैं इस पे नेक्स्ट क्या क्या इसमें और हो सकती है, और ये हो सकता है अगर हम देखें यहां पे इस पार्ट को अगर हम देखें अच्छे से, कैसे अच्छे से अगर इस पार्ट को हम देखें तो क्या होगा, ऊपर वाला जो ये पार्ट है 100 कितनी बार है 3 बार है, 10 कितनी बार है 3 बार है, और 1 कितनी बार है 1 बार है, तो हमारा जो 3 अगर रेट सेम है तो 3 ईयर का रेशियो क्या होगा, होगा आपका 3 3 1 3 रेशियो 3 रेशियो 1 एंड 3 ईयर रेशियो क्या होगा 3 3 1 अगर रेट कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया क्वेश्चन में कोई भी डाटा दिया उससे नहीं मतलब है, कुछ भी डाटा दिया गया बस रेट आपका प्रत्येक ईयर के लिए, अगर पहले साल 5 है तो दूसरे साल भी 5 होना चाहिए, तीसरे साल भी 5 होना चाहिए, अगर ऐसे कोई रेट दे दिया पहले साल 10% दूसरे साल 5% तीसरे साल 20% तो यहाँ ये रेशियो फॉलो नहीं होगा क्योंकि वहां पे रेशियो क्या होता है चेंज हो जाता है, ठीक है बस ये लिखवाया जा रहा है कि सेम रेट रहेगा तो रेशियो हमारा होता है 3 3 1 3:3:1 ठीक, इसको जान लीजिए। अब देखिए इस रेशियो का यूज कहाँ है, इस रेशियो का यूज है अगला लाइन मेथड में, जो सेकेंड मेथड है उसको समझिए, लाइन मेथड को सेकेंड तरीका, आपने 1000 लिया इस पे 10% लगाया पहले साल पे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा, फिर इस पे आपने 10% लगाया 100 का 10% कितना मिलेगा 10 मिलेगा, फिर अब तीसरे साल में चल रहे हैं, हमने पहला साल दूसरे साल का कर लिया, अब किस में तीसरे साल में 10 पे 10% कितना मिलेगा 1 मिलेगा, अभी आपको पता है 3 साल का जो रेशियो होता है वो रेशियो होता क्या 3 3 और 1 होता है, वो रेशियो क्या होता है 3 3 1 होता है, 3 × 100 कितना होगा 300 और ये होगा 30 और ये होगा 1, सबको जोड़ दीजिए 3 ईयर सी आई या फिर सी आई आप जोड़ दीजिए सी आई बराबर कितना हो जाएगा 331 यहाँ पे आपको मिल गया 330 और 1 को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 331 हो जाएगा, बात समझ में आ गई, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इसके अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं पहले इसमें ये भी देख लीजिए जो बड़ा वाला बॉक्स है वो क्या है कहता है, ये बॉक्स है बड़ा वाला किसका सी आई का, यही तो आपने लिखा ना 331, अगर मैं पूछूं एस आई क्या होगा तो आप इस बॉक्स को बताओगे कि ये बॉक्स है एस आई का, ये एस आई आपका होगा 300, अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो बॉक्स है ये किसका बॉक्स है तो आप बताओगे ये बॉक्स जो है 3 ईयर सी आई माइनस एस आई बॉक्स है और कितना है 30 और 1 कितना 31, बात खत्म इजी वे में, ठीक है लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब तीसरे तरीके पे चलते हैं, तीसरा जो तरीका है थर्ड तरीका है फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड में अभी भी रेट कितना है 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी पी और ए का रेशियो देखा जाए तो पहला साल में 10 11 होगा, फिर दूसरा साल में 10 11 होगा, तीसरा साल में कितना होगा 10 11, बात समझ में आ गई,
क्योंकि यही तो होता है फ्रैक्शन वैल्यू अगर करेंगे तो ये प्रिंसिपल होगा, ऊपर क्या होगा सी आई इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। 10 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 में एक जोड़ देंगे 11 हो जाएगा पहला साल, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये होगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, इसलिए 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1000, इसका करेंगे 1331। बस समझो ये प्रिंसिपल है 1000, अमाउंट कितना 1331। अच्छा क्वेश्चन में मिला ले क्या, क्वेश्चन में 1000 अमाउंट दिया गया है, सॉरी प्रिंसिपल दिया गया, तो प्रिंसिपल दिया गया 1000, यानी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्ट प्रिंसिपल पता है तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए, यानी सीआई कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा। बात समझ आ गई, यही चीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अगर आपसे क्वेश्चन में बाई मिस्टेक या बाई चांस, ठीक है मिस्टेक तो नहीं करेगा, ठीक है आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि बताइए यहाँ 20% है, अभी कितना था आपके पास 10%, अब क्या किया सेम क्वेश्चन में रेट चेंज कर दिया, रेट चेंज करके क्या बोला 20% है। अच्छा इसको प्रिंसिपल को भी चेंज कर दिया क्या, 5000 ले लीजिए और टाइम 3 ईयर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑन क्या 5000 एट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा 5000 रुपये की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 3 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो आपको बताना है कि 3 साल बाद सीआई क्या हो। ठीक है चलिए, तो आपको जब पता है ये प्रोसेस, अब आपको सब कुछ पता है कि इसका फ्रैक्शन मेथड क्या होगा, ग्राफ मेथड क्या होगा, तो आपको उससे बनाइए। ठीक है तो ग्राफ मेथड हम लोग बनाते हैं फास्ट, क्या करते हैं देखिए 5000 पहला जो तरीका फर्स्ट वे, 5000 के करेंगे कितना 20%, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो ना, 5×20/100 प्रतिशत हटाया जाएगा 100 से, 100 जीरो जीरो से कैंसिल होगा, देखो 20×5 क्या होगा 500 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 1000, यानी हो जाएगा ये 1000। बस समझ आ गई, अब इसमें भी करेंगे 20%, यानी ये भी हो जाएगा 1000, लेकिन इस 1000 का जब हम 20% करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 200। 1000 का 20% निकाल लीजिए, 20/100 कर देंगे, 2×0 इसके अंदर कितना आएगा 200, देखिए आ गया। फिर करेंगे थर्ड ईयर में फिर 20% करेंगे तो इस मूलधन पे 20% कितना होगा 1000 होगा, लेकिन अब क्या होगा, अब कहानी स्टार्ट हो गई। कहानी स्टार्ट कैसे हो गई, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर दें कहानी तो कैसे हो जाएगा, देखिए थर्ड ईयर में तो इंटरेस्ट हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, तो 1000 पे 20% करेंगे कितना मिलेगा 200 मिलेगा, इस 1000 पे 20% कितना करेंगे तो कितना मिलेगा 200 मिलेगा। अब इस 200 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 40 होगा, आप लोग निकाल के देखिए। ठीक है 200 का 20% यानी 0×0 से कैंसिल हो जाएगा, 2×2=4 यानी 40 हो जाएगा। फाइनल जो हमें आंसर मिला अभी कितना मिला काउंट कर लीजिए, ये क्या होगा 3000 ऊपर हो जाएगा और ये 200 से कितना होगा 600 होगा और ये 40 यानी होगा 3640। फाइनल जो हमारा सीआई है, अगर मैं बात करूं सीआई की, तो हमारा सीआई है आपका 3640, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 3640। अच्छा मैं बात करूं एसआई का, एसआई हमारे पास कितना हो जाएगा देख लीजिए, एसआई होगा आपका 3000। अगर मैं बात करूं 3 ईयर सीआई माइनस एसआई का, यही तो है आपका सीआई माइनस एसआई का बार, यही है जोड़ लीजिए कितना होगा 640, 2×2=600 और ये 40 कितना होगा 640। फाइनल यहाँ तक आपको पता चल गया, जब आपको यहाँ तक पता चल गया तो इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं दूसरे तरीके लाइन मेथड से, जो कि काफ़ी इजी है और अक्सर आप लोग वही एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। लाइन मेथड क्या है देखिए, 5000 है, 5000 पर 20% करेंगे तो हो जाएगा 1000, अब इसे 1000 पर 20% जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा 200। अच्छा इस 200 पे जब 20% करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 40। ठीक अब रेशियो क्या है 3:3:1 यानी अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा 3000, ये होगा 600 और ये होगा 40, यानी आपको फाइनल मिलेगा जो सीआई आपका फाइनल होगा वो क्या होगा 3640। अच्छा ये तो बड़ा वाला ब्रैकेट जो था हमारा किसका था, सीआई का ब्रैकेट था, अगर हम बात करते हैं इसी ब्रैकेट से बताइए एसआई क्या होगा, तो एसआई आप बोलोगे 300 होगा, क्यों, क्योंकि ये 300 है, ये वाला किसका ब्रैकेट होता है, ये होता है आपका एसआई का। अब मैं बात करूँ अगर सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है अंतर है वो क्या होगा, तो आप बताओगे ये वाला जो बॉक्स बनाया है ये क्या है 3 ईयर सीआई माइनस एसआई है, कितना होगा 640 होगा। बात समझ में आ गई,
अगर आपसे पूछा गया अमाउंट, तो अमाउंट भी आप बता दोगे, प्रिंसिपल आपके पास 5000 और अभी आपका जो सीआई है वो कितना है 3640, यानी कि होगा 8640, 8604। बस समझ गए, ये फाइनल आपको मिल गया अमाउंट। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपने लगा लिया। अगर तीसरे तरीके से लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पे हर एक तरीका बताने का रीजन ये है कि जब आप आगे क्वेश्चन इसके बाद जब लगाएंगे, आपको लगेगा अरे सर तीन क्वेश्चन तीन मेथड से बता रहे हैं, लेकिन हम तो एग्जाम में एक ही मेथड से लगाएंगे। तो ठीक है, आप एग्जाम में एक ही मेथड से लगाओ, लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ लो, क्योंकि इसके आगे जो लेंदी टाइप वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहां पे इन तीनों मेथड से एक ना एक मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, सभी मेथड तो वहां फॉलो नहीं होगा। तो वहां पे इन सभी मेथडों को देखते हुए अगर यहाँ पढ़ लिया तो वहां पे इजी हो जाएगा कि हम कोई वैल्यू अगर ट्रिक हम वहां बता रहे हैं, अप्रोच बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं, आपको वहां पे अच्छे समझ में आएगा। तो उसके लिए सोचना छोड़ दीजिए, अभी जो सिखाया जाता है वही सीखिए आप, ठीक है। चलिए, फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड की बात करें अगर हम, तो फ्रैक्शन मेथड में जो आपका रेट है वो कितना है 20% है। इस 20% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 20/100 क्या होगा 100 होगा, यानी 1/5। ये 5 क्या है, प्रिंसिपल, ऊपर क्या है इंटरेस्ट है, ये रेट की वैल्यू थी। तो देखिए अगर मैं पी और ए की बात करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल हमारे पास 5 है और कितना है 1 जोड़ देंगे 6, यानी ये 3 बार दोहराएगा क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 कितना होगा 125, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 6 का क्यूब कितना 216 होता है, 6 × 6 = 36 × 6 कितना हो 216। अच्छा ये 125 है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में दिया था वो क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल, हमारा ये प्रिंसिपल कितना 125 है, और 125 को हमको बनाना है 5000, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कितना गुना है, तो आप ऐसे कर लीजिए 5000 का कितना गुना है, तो 125 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना गुना हो जाएगा। अगर मैं 25 से बात करूँ, 25 × 50 यानी होगा 225, ये 5 बार में, ठीक है, 25 × 25 = 125, 25 × 4 यानी 40 होगा, कितना गुना है 40 गुना है, आपको मिल गया कि 500 को अगर हम 5000 को डिवाइड करें 125 से तो कितना गुना होगा 40 गुना होगा, ठीक। अब यहाँ भी हम कर लें 40 गुना, देखिए 0 यानी 8640 हो गया, 8640 जब हम 216 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8640। अब हमको पता है कि प्रिंसिपल हमारा है 5000 और जो अमाउंट है वो कितना 8640 है, इनका अंतर ही तो सीआई होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कितना होगा 3640 हमारा क्या होगा सीआई होगा, 5000 में से 8640 में से 5000 घटा दीजिए कितना मिलेगा 3640, यही हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी बात, अमाउंट आपको पता ही चल गया। चलिए अब इसी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, चेंज क्या करना पड़ेगा वो देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% पर एनम फॉर फॉर वन होल 1/2 ईयर। अब बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शन ईयर में रहे तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, या फिर इंटरेस्ट पूछा जाए, एसआई पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाए 1.5 साल का आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, आप क्वेश्चन को देने के लिए तैयार हो प्रॉपर। तो कैसे बनाएंगे इसको, पहला जो तरीका है वो समझना, यहाँ पे ग्राफ मेथड अप्लाई होता है लेकिन ग्राफ मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ग्राफ मेथड तो अप्लाई होगा ही, लाइन मेथड की बात मैं कर रहा हूँ कि लाइन मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है लेकिन लाइन मेथड लेंदी हो जाता है, तो लेंदी हो जाता है तो उसको भी सीख लेंगे लेकिन उसको ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से हम ग्राफ मेथड और फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन ईयर दिया गया है तो यहाँ पे फ्रैक्शन ईयर दिया गया तो आपके पास कितना रुपया है 1000 है। अब देखिए 1000 पे जो टाइम दिया गया वो दिया गया 1 होल 1/2 ईयर, यानी 1 साल तो पूरी वैल्यू होगी, यानी 1 साल के पूरी वैल्यू पे यार पूरे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा लेकिन सेकेंड ईयर के हाफ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, बात समझ आई, फर्स्ट ईयर के पूरी वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है लेकिन सेकेंड ईयर पे प्रिंसिपल के हाफ वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं ये जो है 1 होल 1/2 ईयर को 2 ईयर मान लेते हैं, अभी मानते हैं क्योंकि ये 2 के करीब है तो 2 मान लेते हैं, तो 2 साल होगा तो 2 लाइन ड्रा करेंगे, इसमें भी 10% और इसमें भी
10%। चलो निकालो, 1000 का 10% पीछे निकाले तो 100 आया था, इसका भी 100 आया था, इसका करेंट कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन जो दूसरा साल है, ये फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर, जो दूसरा साल है या जो सेकेंड ईयर है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यह दो साल जो है, दो सेकेंड जो ईयर है वो पूरी नहीं है, वो हाफ है। तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयर है, हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल देंगे। यानी ये कितना होगा, 50 होगा, और ये भी कितना होगा, 5 होगा, 10 का आधा 5, यानी 50 और 100 कितना होगा, 150, और ये 5 कितना होगा, 155। यानी हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास जो CI होगा वो CI होगा 155। CI क्या होगा, 155। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे SI क्या होगा, तो SI आप डायरेक्ट बताओगे SI होगा 150, क्योंकि 100 और 50 150 होगा। अगर पूछ दिया गया 1 whole 1/2 ईयर CI माइनस SI क्या होगा, तो आप बताओगे ये जो वैल्यू है ये क्या है, 5। ये होगा आपका डेढ़ साल के CI और SI का अंतर होगा। बात समझ में आ गई, जब आपको बात समझ में आ गई तो फ्रैक्शन ईयर में याद रखिएगा, कभी भी अगर हाफ ईयर देता है ठीक है तो ब्याज भी हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएं वो भी देख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग देखिए इसको ग्राफ मेथड से कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, ये भी जान दीजिए आप लोग कि पहला 10% है, फर्स्ट ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर में 1 ईयर है, 1 ईयर क्या है, पूरी वैल्यू का, यानी पूरी वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन सेकेंड ईयर हाफ है तो हाफ ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा। कुछ लोग इंटरेस्ट को ही आधा कर देते हैं सेकेंड ईयर में, बोलेंगे कि नहीं 10% है तो हाफ ईयर के लिए 5%, यानी आधा कर दे उसका, हाफ कर दे तो 5% हो जाए, 5% लगाते हो तो वो वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ पर 10% या 5%, यानी इसका कितना होगा, 1000 होगा। इस 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। अब इस 1000 का 5% कितना होगा, देखिए 50 होगा, ठीक है। अब इस 100 का फिर करेंगे इस सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 5% करेंगे, तो ये होगा आपका 5, ठीक है। 100 का 5% 5000, फिर आपको वही चीज़ मिल गया जो आपने वहाँ पे हाफ किया था, लेकिन यहाँ पे आपने रेट को हाफ कर दिया तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया। तो अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की बात करेंगे, फ्रैक्शन मेथड की, तो देखिए क्या होगा, अगर पहले साल 10% ही लगाया जाएगा क्योंकि पहला साल में कोई हाफ नहीं है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा 10 का 11। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। लेकिन सेकेंड ईयर जो है वो हाफ ईयर है, हाफ ईयर है, तो रेट भी क्या होगा, 5% होगा। 5% का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए, 5% का मतलब ये होता है 5/100, यानी 1/20, यानी हमारा जो प्रिंसिपल वो 20 है, और इस पर इंटरेस्ट कितना होगा, 1 का होगा, 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट, यानी कितना होगा, 21 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट, यानी अमाउंट कितना हो, 20 + 1 = 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11, और ये 22, यानी हो जाएगा 231, ठीक है। अब ये 200 है लेकिन प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 है, तो 200 के 1000 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ये तो हो जाएगा 1000। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा, 5 × 5 1 हो जाएगा, 5 × 15 = 5, और 5 × 10 = 11, कितना होगा, 1155। यानी कि अगर आपको पूछा गया कि बताइए CI क्या होगा, तो आप यही को माइनस कर दोगे, इसी को जब आप माइनस करोगे यही तो होगा आपका, क्या होगा आपका, यानी कि 155, 1155 में आप 1000 माइनस करेंगे वही आपका CI होगा, यही आपका 155 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूँ 2 whole 1/2 है, क्वेश्चन सेम है, मतलब फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट द रेट ऑफ 10% 2 whole 1/2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 1000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रव्याज की दर से दो साल के लिए उधार दिया जाता है, तो चक्रव्याज क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, तो समझिए इसको भी। देखिए अब यहाँ पे 2 whole 1/2 ईयर को हम क्या मान लेंगे, 3 ईयर, ठीक है। तो 1000 लिखिए, आप यहाँ पे 3 लाइन ड्रा कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो पहले साल 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दूसरे साल 10% कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा, इस 100 पे ये हो जाएगा 10, यहाँ तक तो आप निकालना जान गए। और जब तीसरे साल में जाएंगे तो ये तीसरा साल जो है वो हाफ है, थर्ड ईयर जो है क्या हाफ है, तो हम इसका हाफ करके यानी 5% भी लगा सकते हैं और 10% भी लगा के इसका रेट हाफ कर सकते हैं, दोनों कर सकते हो, दोनों के लिए स्वतंत्र हो। पहले 10% अगर लगाएं तो क्या होगा, अगर इस पे 10% लगाएंगे ये होगा 100, और इस पे करेंगे फिर उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इस पे आएंगे तो 10% करेंगे ये होगा 10, 100 का 10% 10, इस 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, इस 10 का 10% 1 होगा। अब सबका क्या करेंगे, थर्ड ईयर हाफ है तो सबका हाफ कर दीजिए आप, ये मिलेगा आपका 50 मिलेगा, ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 0.5। फाइनल अगर हम इसको बात करें पूरे ब्रैकेट की, अगर मैं पूरे ब्रैकेट की बात करूं तो क्या होगा, देखिए 100 100 50 कितना होगा 250, 10 और ये 5 15, 5 20 और ये 0.5, इसको जोड़ दीजिए 2 और ये 7 0.5, 270.5 आएगा, ठीक है 250 और 70, ठीक है 270.5, ये आपको कैलकुलेशन हो गया, यानी अब 270.5 क्या है सी आई है। अगर मैं एस आई की बात करूँ तो एस आई ये ऊपर वाला लाइन होगा, यानी कितना होगा एस आई आपका होगा 100 और 100 कितना 200 और 50 कितना 250। अगर मैं पूछूँ बताइए 2 whole 1/2 ईयर सी आई माइनस एस आई, तो आप क्या बताएंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है वही तो है आपका सी आई माइनस एस आई का, यानी 10 और ये 5 5 10 यानी 20.5 आपका क्या है सी आई माइनस एस आई है, कितने साल का 2 whole 1/2 ईयर का, फाइनल ये हो गया। चलिए सेकेंड, अगर 5% आप करके यहाँ पे निकाल सकते हो आप देख लीजिएगा, इसके हम फ्रैक्शन मेथड की बात करते हैं। अभी कितना आया था 270.5 यही आया था, ठीक है चलिए अब इसके किसके फ्रैक्शन मेथड की बात करते हैं, फ्रैक्शन मेथड पे क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, फ्रैक्शन मेथड देख लीजिए। अब समझिएगा बात बहुत ध्यान से, कि अगर पहले साल 10% है ना, देखिए 2 whole 1/2 है यानी इसका मतलब होगा 2 साल + 1/2, 2 साल तो 10% लगेगा, तो 10% का मतलब 1/10 होगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम बात करें तो ये 10 पे 11 मिलेगा पहले साल, और दूसरे साल में क्या मिलेगा 10 पे 11 मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हाफ है 1/2 है तीसरे साल में, तो हाफ होने की वजह से जो रेट 10% है वो भी हाफ हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 5%, इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20, यानी 20 पे अब कितना मिलेगा 21 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है क्या हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा, इसका करोगे तो आएगा 121 और गुणे 21 यानी होगा 121 242, यानी जोड़ दो 12541, ठीक है 2541। अब बात को देखो और समझो, यहाँ पे बात है 2000 की, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे दिया है जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया है 1000, बात कर रहे थे हम लोग 1000 की, लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया तो आया 2000 किसके फ्रैक्शन से, तो अब इस 2000 को 1000 बनाने के लिए हम 1/2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है जब 1/2 से गुणा कर देंगे या भाग कर दीजिए आप 2 से या गुणा कर दीजिए 1/2 से, तो कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, जो इस रेशियो में करते हैं वही इस रेशियो में कर देंगे 1/2, ये कितना होगा ये 1 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0.5। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों क्या करेंगे आप, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आप 1000 और 1270.5 - 1000 यही तो आपका सी आई होगा, सही कितना मिलेगा 270.5 यही आपका सी आई होगा, सी आई आपको मिलेगा फाइनली 270.5, ठीक है यहाँ तक हो गई बात है। चलिए तो अभी तक हमने बात किया कि फाइनली कैसे कोई सी आई को हम फाइंड करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है तो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जो था एंड हो गया, अब कुछ अलग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और वो सी आई का आपका थर्ड क्लास होगा। चलिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है थैंक यू।